Hello student, good evening. Welcome to Expert Learning. How are you student? All fine? I hope so. So student, हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सुविचार पढ़ लेते हैं जो आपके लिए काफी जरूरी है. जानना काफी नहीं है, हमें उसे लागू करना चाहिए. और इच्छा रखना काफी नहीं है, हमें इच्छा के अनुरूप मेहनत भी करनी चाहिए. सो स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ. अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो सिर्फ इच्छा रखना ही काफ़ी नहीं रहेगी, उसके अनुरूप आपको मेहनत भी करनी चाहिए. ओके, सो ये रहा आज का हमारा सुविचार. अब लेट मी स्टार्ट टूडे क्लास. ओके डियर फ्रेंड, हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगी मैं कि जो बच्चे अभी इसमें नए हैं तो वो इस लेक्चर से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो लेक्चर है हमारा उसी का दूसरा पार्ट है. क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें हमने उसको एक्सप्लेन किया था एंड उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं. सो आप पहले इसको पॉज करके और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, इसके बाद ये वाली वीडियो आपको समझ में भी आएगी, अच्छा भी लगेगा, क्योंकि उसी का ही सेकंड पार्ट है. अगर हमें यूक्लिड डिवीजन थ्योरम समझ में आ जाती है तो हमें ये लेक्चर भी समझ में आ जाएगा. ओके फ्रेंड, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी टीम इंग्लिश की क्लासेस लेके आ रही है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जो न केवल 10th क्लास के लिए बल्कि 10th, 12th, कॉलेज कंपटीशन, इस सारी क्लासेस को कवर करेगा आपकी, एंड बेसिक से लेकर ऊपर तक सारा नॉलेज आपको देगा. काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश तो आती है बट उनका बेस क्लियर नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है. सो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो इंग्लिश में वीक हैं, जो अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एडवांटेज है कि आप उनको ये चैनल के बारे में बताएं एंड सब्सक्राइब कराएं. ओके फ्रेंड्स, सो हम स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हमने अपना फर्स्ट वीडियो में तो क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड मैंने एक क्वेश्चन आपको लगाने के लिए दिया था, आप लगाए पता नहीं क्योंकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई आंसर नहीं आया अभी तक. तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो आप इसे देखिए. एंड एक बात और बताना चाहूँगी मैं आपको कि मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में पढ़ा रही हूँ, जिससे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रही हूँ, जिससे दोनों का कवर हो सके. एंड जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं इसीलिए हमें थोड़ा सा स्पीड स्लो करके पढ़ा रही हूँ मैं, कि उनको पढ़ने में थोड़ा सा वो कम्फर्ट नहीं रहेंगे इंग्लिश में, इसीलिए मैं दोनों को कवर करके हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ा रही हूँ. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फ्रॉम 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर. ओके, एंड मैं हिंदी में बताना चाहूंगी कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है. इसमें ये हमें इसको प्रूव करना है, दिखाना है कि क्या 6q+1, 6q+3 या 6q+5 होता है जब कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो. आप समझिए कि ये कह रहे हैं कि जब आपका कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर आप जानते हैं क्या होता है. जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंटीजर क्या होता है, आप जानते होंगे, बट मैं अभी फिर से बता दे रही हूँ. हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर सॉरी
होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे हमारे होते हैं एन तक, जानते होंगे आप। सो इसमें शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड नंबर, ये हमारे हैं ऑड नंबर, इज ऑफ फ्रॉम 6q+1, 6q+3, and 6q+5 ओके। अब हमें इसमें क्या करना है, हमने यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पढ़ी थी जिसमें आपको पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। इसमें आपको पता था कि ए जो हमारा है वो हमारा क्या है, डिविडेंड, एंड जो हमारा वी है वो क्या है, डिवाइडर, डिवाइडर, और ये जो हमारा है क्यू, ये है कोशेंट, कोशेंट, एंड आर हमारा है रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा ये हो गया डिविडेंड, ये हमारा वी हो गया डिवाइजर, क्यू हो गया कोशेंट, एंड रिमाइंडर हो गया आर। तो इसमें हमें क्या करना है, ये है हमारा फर्स्ट, ये इसमें हमारा रिमाइंडर 1 निकला है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। अब ये आप देखेंगे कि ये जो है ये है वी, वी मतलब डिवाइजर कितना है हमारा 6, और हमारा क्वेश्चन कितना है क्यू, ओके, एंड 1 हमारा क्या है, रिमाइंडर। अब हम बारी बारी से इसको प्रूव करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट को लेंगे पहले, ये हमारा क्या है, डिवाइजर, तो हम डिवाइजर को इधर रखेंगे। डिविडेंड हमारा क्या है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमारा पहले हम 1 ले लेंगे, ऑड इंटीजर है 1 ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या हुआ कि ये 1 है, 6 है, डिवाइड नहीं होगा, 0 आएगा, 0 उधर आ जाएगा, ये आया 1, ओके। अब हम डिवाइजर हमारे यही रहेगा, डिविडेंड हमारा 3 हो जाएगा, ये भी छोटा है तो ये यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा अपना, यहाँ पे 6 है, 5 है इसका डिविडेंड, ये हमारा डिवाइजर सब में सेम रहेगा क्योंकि डिवाइजर हमारा सेम ही है, 6 ही है तीनों में, तो हमारा 6 ही रहेगा। डिविडेंड हमारा चेंज होगा क्योंकि हमारे ऑड इंटीजर ये है, 6 हो गया, ये भी हमारा छोटा है, ये आएगा 1, ओके, सॉरी 3 आएगा, सॉरी इधर मिस्टेक हो गई है, सही कर लीजिए, और इधर 0 आएगा, इधर 5, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। अब हम अपना 7 में देखेंगे, ये चला जाएगा, इसमें 1 बचा, इधर 1 बचा, 9, 6 आ जाएगा, एंड 3, ऐसे हम करते जाएंगे तो यही हमारी वैल्यू आती जाएंगी। अब इससे हमारा क्या हुआ, अब हम इसको इसके फॉर्म में लिख लेंगे, इसके फॉर्म में, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के फॉर्म में, ए ये हमारा क्या है, डिविडेंड, कितना डिविडेंड हमारा क्या है, 1, ओके, ये इधर मैं ऐसी लाइन खींच दे रही हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ये हमारा डिविडेंड कितना है, 1 इक्वल टू वी, डिवाइजर कितना है, 6 मल्टीप्लाई, क्यू क्या है हमारा, 0, एंड रिमाइंडर क्या है हमारा, 1, ओके। इसके बाद ऐसे हम इसका करेंगे, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, ये हमारा इधर 3 है इज इक्वल टू 6, ये कितना है 0, एंड रिमाइंडर 3, ओके,
तो यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है। थ्री इज्क्वल टू 6 0 प्लस 3। ओके, ये हमारा 5 इज्क्वल टू 6 0 प्लस 5, ये हो गया। अब हमारा इसमें भी रिमाइंडर कितना आया, हमने ये इसको अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, इसका कितना आया, 3 आया, इसका कितना आया, 5 आया, इसलिए हमने इसको अलग अलग लिखा जिससे आपको समझ में आए। अगर हम साथ साथ लिखेंगे तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब हमारा इसका भी 1 आया था तो इसको इसके पास लिख लेते हैं, 7 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर 1, एंड इसका 9 6 मल्टीप्लाई 1 रिमाइंडर 3, एंड हम इसको 11 को करेंगे तो हमारा ये इसका इतना ही आएगा। तो इससे डियर स्टूडेंट्स आपको क्या समझ में आता है कि हमारा जो रिमाइंडर है, चाहे हम ऑड इंटीजर कितने भी आगे तक करेंगे, या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, यही आएगा आएगा। और हमारा ये क्या है, 6, ये 6 सबका 6 ही रहेगा। एंड जो हमारा क्वेश्चन है ये बस चेंज हो रहा है, ये चेंज होता रहेगा अपना, इसमें 0 है इसमें 1 है, इसमें 0 है इसमें 1 है, इसमें 0 है। अगर हम 11 का करते हैं, हमने 9 तक लिया है, 11 का करेंगे तो इधर भी हमारा 1 आएगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कोई भी ऑड हमारी संख्या है, कोई भी ऑड इंटीजर है, उसमें हम अगर ये इसको लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड को, तो इसमें जो हमारा वैल्यू है वो यही निकलेगी। क्योंकि आप ये देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 ये हमारा क्या है, क्यू प्लस ये रिमाइंडर निकला है आर, निकला है ना आर, तो ये हम क्या है, 1, एंड ये क्या है, 6, ये हमारा क्वेश्चन है चेंज हो रहा, तो ये हमारा कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने क्यू का क्यू लिखा है क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। प्लस 3 इसका 6, ये भी क्यू प्लस 5, यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें बताना था कि क्या ये ऑल ऑड इंटीजर में आता है। तो ये हमारा ये आया है 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5, एंड क्यू इज सम इंटीजर, या बिकॉज क्यू जो हमारा है चेंज होता जाएगा, कोई फिक्स नहीं है कि नहीं 0 आएगा 1 आएगा, ये कोई फिक्स नहीं है, ये हमारा संख्या पे डिपेंड करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इज सम इंटीजर, कोई भी हो सकता है। ओके, यही हमें प्रूव करना था। ओके, आपको समझ में आया होगा, एंड जो डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि मैं आपको लगाने के लिए दूंगी, आप अपना घर पे लगा के इसका आंसर मुझे सेंड करिए, या फिर जो कोई डाउट्स हो तो पूछिए कि ये नहीं आ पा रहा मेरे से, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। एंड इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसके बाद एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके एक क्लास आज की फिनिश करते हैं, फिर कल हम एक्सरसाइज 1.2 लेके आएंगे। सो जो स्टूडेंट अभी इसमें नए जुड़े हैं एंड जो पुराने हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग कल की क्लास जरूर लें, क्योंकि न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है जिसमें आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि अगर आप 20 से लेक्चर लेंगे, या फिर मैंने फर्स्ट लेक्चर ले लिया, आपने सेकंड से स्टार्ट किया, तो जो फर्स्ट लेक्चर हमारा जो होता है, वो जो हमारा एक्सरसाइज होता है, उसकी सारी जो उसमें फॉर्मूले रहते हैं, उसको सारा मैं फर्स्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसमें फिर आप सेकंड में देखेंगे तो आपको डाउट्स होंगे कि ये कहाँ से आ गया। तो उसके लिए आपको क्लासेस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो बच्चे अभी आए हैं या जो आने वाले हैं, उनसे कहिए कि कल की क्लास मिस ना करें, क्योंकि हम न्यू एक्सरसाइज लेके आ रहे हैं। ओके, कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप, एंड जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल दे रही हूँ, तो वो नोट डाउन कर लें। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 या 4q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन है सेकंड, इसको आप सॉल्व करिए एंड मुझे इसका बताइए क्या है, बना आपसे कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं,
एंड हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिनिश चैप्टर। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फ्रॉम 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फ्रॉम 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। जो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं हिंदी में बता देना चाहती हूँ कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। इसमें हमें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने क्या देखा था, ऑड नंबर था हमारा, उससे हमने प्रूव किया था कि क्या ये ऐसा होता है। अब हमारे इस क्वेश्चन में इवन और ऑड दोनों दिए गए हैं, इसीलिए हमें इन दोनों को प्रूव करना है कि क्या जो एवरी पॉजिटिव इवन नंबर है वो 2q के फॉर्म में होते हैं या जो हमारे ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं क्या वो 2q प्लस 1 के रूप में होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि इसमें हमारी इस सारे क्वेश्चंस में हमारी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लगेगी, जो ये है ओके, इस पे ही हमारे सवाल बेस्ड है। सो पहले हम देख लेते हैं अपने इवन पॉजिटिव इवन नंबर इंटीजर ओके। तो आप जानते होंगे इवन नंबर क्या होते हैं, नहीं जानते हो तो मैं बता दे रही हूँ। पॉजिटिव इसका इवन एक मिनट इवन इंटीजर जो कि हमारा 2, 4, 6, 8 के हमारे ओके। इसके बाद हम पहले फर्स्ट वाला ये जो हमारा दिया गया है इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ तक ओके। फिर इसके बाद हम ये ऑड वाला करेंगे, इसके लिए वही प्रोसेस करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है कि हमारा ये क्या है डिविडेंड, ये क्या है डिवाइडर, ये क्या है क्वेश्चन, ये क्या है रिमाइंडर। तो इसमें हमारा 2q दिया गया है जो कि हमारा क्या है डिवाइडर, डिवाइडर ये है, डिविडेंड हमारे ये हो जाएंगे। लेट स्टार्ट 2 इसमें 0 2 4 2 0 2 6 3 6 0 8 8 4 0। आपने देखा रिमाइंडर 0 0 0 0 आया, इसमें वैसे भी हमारा क्या था 0, कुछ नहीं तो 0 है जो हमें ये दर्शाना था सो करना था। इसके बाद हम क्या करेंगे इसको बारी बारी करके लिख लेंगे इसके फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन मेथड में थ्योरम में। तो ए हमारा क्या है 2 इज इक्वल टू 2q प्लस ये हमारा क्या है 0 सॉरी q हमारा क्या है 1 ये हमारा ये क्या है 4 ये हमारा डिविडेंड है डिवाइडर 2 प्लस 0 एंड डिविडेंड 6 2 3 0 एंड 8 2 4 प्लस 0। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारी क्या हो गई, ये सब में 2 कॉमन है, ये सब हमारा डिवाइजर तो कॉमन है और क्यू जो हमारा है इसकी वैल्यू हमारी चेंज हो रही है 1 2 3 4 मतलब इसका ये रहेगा ये चेंज होती रहेगी, ये कोई डिसाइड नहीं है कि इसका एक ही आएगा, ये हमारा चेंज रहेगा। तो इससे हमारा ये होता है कि ये हमारा 2q क्यू कुछ भी हो सकता है, कोई वैल्यू इनकी वो नहीं है कि यही रहेगा। ये हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गई और इसमें क्या था
कि वेयर क्यू इज सम इंटीजर, या यस क्यू इज सम इंटीजर। ये हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया। ये अब हमें सॉल्व करना है एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इसके लिए हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमारे जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे हमारे होते हैं। अब हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, जिसमें आप जानते हैं ए हमारा डिविडेंड है, बी हमारा डिवाइजर है, क्यू हमारा क्वेश्चन है, आर हमारा रिमाइंडर है। अब हम जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, जिसमें हमारा 2q+1 ये हमें शो करना है, ये दिखाना है। इसके लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, टू डिविडेंड हमारे ये हो जाएंगे 1, 0 क्योंकि ये छोटा है, 1, 0, 3, 1, 5 इसमें आया 2, 4, 1, 2, 7 अब आप इसमें देखेंगे, हम 9 का भी करेंगे तो 9 का भी ऐसे आएगा। अब आप देख रहे हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ऑल हमारे जो ऑड नंबर होंगे रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। यही तो हमें प्रूव करना है क्योंकि ये रिमाइंडर कितना, 1 है। तो इसको हम जल्दी से यूक्लिड मेथड में लिख लेते हैं, जिसमें 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन 0 रिमाइंडर 1, 3, 2 क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 1, डिविडेंड 5 डिवाइजर 0 क्वेश्चन 2 1, 7, 2, 3 प्लस 1। अब ये हमारा किसके फॉर्म में निकल आया, ये निकल आया इसके फॉर्म में, जिसमें हम देख रहे हैं 2 हमारा सब में कॉमन है, 1 हमारा सब में कॉमन है, बट जो हमारा ये 0, 1, 2, 3 ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बस चेंज हो रहा है। तो इससे क्या है, सम इंटीजर हमारे क्या है, कुछ भी हो सकते हैं, ये कोई डिसाइड नहीं करेगा कि नहीं यही रहेगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया 2q+1, ये हमारा यही हमें दर्शाना था। एंड q, वेयर q इज सम इंटीजर, तो यस q इज सम इंटीजर। ओके, तो अब हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम कल एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, तो आप कल का लेक्चर मिस ना करें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी, जो इसमें क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो मैं सॉल्व कराऊँगी। सो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है, अब कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कल का लेक्चर मिस ना करें, क्योंकि कल हमारी एक नई यूनिट स्टार्ट होगी जिसमें मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं अभी तक जुड़े नहीं हैं उनसे बोलिए कि कल का लेक्चर मिस ना करें। ओके, इस तरह आज की क्लास ख़त्म होती है, और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आपको आज का लेक्चर कैसा रहा, कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि इंग्लिश और साइंस की क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, बस इस चीज़ का वेट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड हो जाएं, जिससे टीचर्स को पढ़ाने में भी सही लगे और आप लोगों का भी लॉस ना हो। इसीलिए कोशिश करिए कि लोगों को जोड़िए एंड आप ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।